नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर से नगर निगम हेरिटेज में दो वार्डों में उपचुनाव, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वार्ड 57 का परिणाम जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी के हिमांशु ढलैत ने जीत हासिल की है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमांशु ढलैत को मिले 3,366 वोट। तो कांग्रेस के महेश तंबोली को 3,026 वोट मिले हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। जानकारी यहाँ पर नगर निगम हेरिटेज में दो वार्डों में उपचुनाव, वार्ड 57 का परिणाम जारी हुआ है और बीजेपी के हिमांशु ढलैत ने जीत हासिल की है। हिमांशु ढलैत को 3,366 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के महेश तंबोली को 3,026 वोट मिले। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ढलैत ने 340 वोटों से जीत हासिल की है और वार्ड 57 में कांग्रेस को जीत मिली है। तो कांग्रेस की सुनीता देवी ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ढलैत ने 340 वोटों से जीत दर्ज की है और वार्ड 57 में कांग्रेस को मिली जीत। तो कांग्रेस की सुनीता देवी ने जीत हासिल की है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम हेरिटेज में दो वार्डों में उपचुनाव हुए, वार्ड 57 का परिणाम जारी कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ढलैत ने 340 वोटों से जीत दर्ज की है। तो नगर निगम हेरिटेज में चुनाव हुए थे, उसके परिणाम आ चुके हैं। वार्ड 57 का परिणाम जारी हुआ है। बीजेपी के हिमांशु ने जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। जानकारी पंचायत चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वार्ड 57 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो वार्ड 57 का परिणाम जारी हो चुका है। बीजेपी के हिमांशु ढलैत ने जीत हासिल की है और हिमांशु ढलैत को 3,366 वोट मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वार्ड नंबर 97 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। नगर निगम हेरिटेज में दो वार्डों में चुनाव हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अक्षय जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि धीरे धीरे अब नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के दो वार्डों के परिणाम यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। तो वार्ड नंबर 57 से हिमांशु ढलैत यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। भाजपा के प्रत्याशी थे हिमांशु ढलैत। तो अभी हिमांशु ढलैत हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। हिमांशु, क्या प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले, कितने संघर्ष करना पड़ा है चुनाव में? बहुत संघर्ष करना पड़ा है हमारे को चुनाव में। पूरी सरकार ने पूरा दमखम झोंक रखा था वार्ड 57 के अंदर। वहाँ के विधायक श्रीमान अमीन कागजी साहब और मंत्री भूपेश जी, महेश जोशी जी, सब ने दमखम झोंक रखा था वार्ड 57 को चुनाव के अंदर। और अपनी प्रायोरिटी जो रहेगी वार्ड 57 के अंदर, विकास के पथ पर अब अग्रसर हो चुका है, उसके अंदर जो प्रायोरिटी रहेगी सिविल का कार्य, सफाई का कार्य, लाइटों का कार्य करवाने की अपनी प्रायोरिटी रहेगी। हिमांशु, किस तरीके से देखते हैं जब ये चुनाव का आज ये परिणाम आया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, जनता का अपार प्रेम इसने और आशीर्वाद मिला है। इस बात की बहुत खुशी है मेरे को। उन्होंने पिताजी को भी दिया था आशीर्वाद, अपार प्रेम इसने, और आज मुझे प्रदान किया है। देखिए, जो एरिया के जो मुद्दे होते हैं, क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, वो प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पर। जो जो काम होते हैं क्षेत्र के, वो यहाँ पर सबसे पहले करते हुए नजर आएंगे। तो प्रेम देवी है वार्ड नंबर 97 से, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेम देवी है जो जीती है कांग्रेस से।
लेकिन हाँ मान सकते हैं कि ये जो चुनाव हुए हैं काफी टक्कर थी दो चारों ही प्रत्याशियों में, चाहे वार्ड नंबर 57 हो चाहे वार्ड नंबर 97 हो, दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में ये उपचुनाव में काफी मेहनत करी थी। लेकिन हाँ देख सकते हैं, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों का साफ तौर पर कहना है कि जो वार्ड के जो मुद्दे होंगे वो सबसे पहले यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, क्योंकि देखिए 57 में बीजेपी को जीत हासिल हुई, वहीं 97 वार्ड में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। ऐसे में फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने ही है, क्योंकि जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पर लोगों ने उन्हें वोट दिया है, सबसे पहली प्राथमिकता उनके उन मुद्दे को या फिर जिस वादे के साथ वो दमखम पे लोगों से वोट की अपील किए थे, सबसे पहले उन वादों को पूरा करना होगा। जी देखिए, जब भी ऐसे चुनाव होते हैं नगर निगम के, तो मान सकते हैं जो क्षेत्र के ही मुद्दे अक्सर यहाँ पर सामने होते हैं। आम जनता अपने क्षेत्र में छोटे से छोटा मुद्दा, जो सबसे छोटा मुद्दा है नालियों की साफ सफाई, सड़कें, पानी की कमी जो होती है, वो यही जो मुद्दे होते हैं इसी के इर्द गिर्द ये चुनाव घूमता हुआ नजर आता है। जो प्रत्याशी होते हैं वो वादा करते हैं अपने क्षेत्र की जनता से, छोटे मुद्दे हैं लेकिन हाँ अपने क्षेत्र के मुद्दों को काम करने की यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है, लेकिन जो मेहनत करता है वो जीतता है। तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर आम जो दोनों प्रत्याशी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मुद्दे होंगे सबसे पहले उनका काम क्षेत्र में जो काम करवाते हैं यहाँ पे नजर आएंगे। बिल्कुल अक्षय, देखिए नगर का चुनाव है, ऐसे में एक तौर पर ये भी कहा जा सकता है एकदम ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, ग्राम का चुनाव है, तो ऐसे में 2023 में चुनाव भी आने, विधानसभा चुनाव भी आने हैं, और ऐसे में क्या लगता है, क्या इन नतीजों को उन चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है? जी देखिए, अगर दो वार्डों में ही चुनाव हुए हैं 57 और 97, दोनों वार्डों में एक में बीजेपी है तो एक में कांग्रेस की यहाँ पे जीत हुई है, तो दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर खुशी का जो लेवल है वो यहाँ पर बराबर रहा है। तो प्रेम देवी है हमारे साथ, जो अभी कांग्रेस से वार्ड नंबर 57 से जीती है, सुनीता देवी है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। क्या वादे करके उतरे थे मैदान में आम जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से, और क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले वादे तो हमने बहुत किए हैं, जो भी किए मैं दिल से कहती हूँ, मैं पूरे आधा से ज्यादा काम हमने पहले से ही कर दिया, सड़कों का काम, पानी का काम, नालियों का काम, लाइटों की। पहले इधर बाढ़ में एक लाइट नहीं थी, बीजेपी ने 15 साल 20 साल जो भी राज किया, एक लाइट नहीं थी देखने को, लोग अंधेरे से परेशान होते, सड़कें ऐसी टूटी फूटी, इतना कचरा पड़ा हुआ था। हम मेरी दीदी ने 6 महीने में इतना कुछ करके दिखाया, तो मैं आगे क्या कर सकती हूँ, ये तो आप लोग देख के अनुभव लगा सकते हो। कैसा रहा आपकी बार ये चुनाव का, ये जो उपचुनाव था, कितनी खुशी है परिवार में आप में? खुशी तो इतनी है कि हमारा सब कुछ दाव पे लगा हुआ था। देखो मेरी खुद की जिंदगी दाव पे लगी थी, मैं अपनी बहन के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगा गई, तो ये तो आप सोच लो कितनी खुशी होगी, ये तो अनुमान लगा नहीं सकते। चाहे वो वोट 11 से हो चाहे 10 से हो, और हमारे विधायक साहब ने पूरा दिल जान लगा दी थी, हमारी महापौर उन्होंने हमारे टिकट दिया, दोबारा हम पे विश्वास करके टिकट दिया, और महापौर मैम, हमारे सारे कार्यकर्ता, जो भी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मेरे समाज वालों ने मेरी बहन को एक अच्छी अदर समाज जो भी है, पूरी वार्ड नंबर 10 बस्ती वासियों ने, सब ने बहुत अच्छा मेरी बहन को एक अच्छी श्रद्धांजलि दी है, और मुझे छोटी बेटी समझ के एक अच्छा कन्यादान दिया, मैं उनका सर झुका के हमेशा अभिनंदन करता हूं। तो आगे भी अब क्या पार्टी के साथ काम करते रहेंगे? जन समाज ने यही विश्वास दिखाता रहा जनता ने अपनी बस्ती वासियों, तो मैं आगे से आगे उनकी उनकी उंगली पकड़ के आगे से आगे जाना चाहूंगी। ये थी सुनीता देवी, इनका साफ तौर पर कहना है बहुत मेहनत करनी पड़ी इस चुनाव में, काफी टक्कर थी सामने जो बीजेपी की प्रत्याशी थी उसके सामने, और जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वो यहाँ पर सबसे पहले करती हुई नजर आएगी। तो पहले जो प्रत्याशी थे वो उनके क्षेत्र में काम नहीं कर पाया, लेकिन हाँ अब सुनीता देवी का वादा है जो आम जनता की समस्या होगी सबसे पहले उनको पूरा करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, देखिए दोनों वार्डों में चुनाव थे, और दोनों वार्ड में भी एक में कांग्रेस ने जीत हासिल की और दूसरे वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। ऐसे में जो नतीजे सामने आए हैं ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जी देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों ही पार्टियां दोनों ने ही दमखम लगा रखा था, क्योंकि वार्ड अभी जो हेरिटेज से हवामहल से विधायक है वो महेश जोशी अभी सरकार में मंत्री है, तो सरकार ने भी यहाँ पर छोटा सा चुनाव था लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे दोनों ही वार्डों में। जब भी ये चुनाव हुए थे
यहाँ पर दोनों ही वार्डों के जो नेताजी है, बड़े नेताजी है, वो यहाँ पर क्षेत्रों में घूमते हुए नजर आ रहे थे, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। तो मान सकते हैं कि दोनों ही तरफ ही मेहनत पूरी हुई है, एक तरफ बीजेपी जीती है तो एक तरफ कांग्रेस जीती है, तो दोनों तरफ से ही यहाँ पर जोड़ लगाया गया है पार्टी की तरफ से। हालांकि जीत एक तरफ बीजेपी की हुई है तो एक तरफ कांग्रेस की हुई है। वार्ड नंबर 27 से महेंद्र दलित, तो 57 से महेंद्र दलित है, तो और 97 से सुनीता देवी जीती है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर मेहनत करी है उपचुनाव में। जी बिल्कुल अक्षय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।